ये देखो अपनी चैन है भाई, ठीक है, और हमने काम करवाया है ये देखो, ये लोग देख रहे हो, अगर आप अपने हंटर में देखोगे ना, इस टाइप का आपको कोई लोक नहीं मिलेगा। देखो ये मैंने लोक लगवा दी इसमें प्रॉपर, देखो अच्छा यू काटोगे अच्छा, ये पूरी नहीं हटती आ जाएगी कुंडे में, तो फिर इतना आ जाएगा इस आगे आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब मुंशिफ दोस्त, अच्छे होंगे। अब जिस भी मेरे भाई के पास रॉयल इनफील्ड हंटर है और 10 या 11,000 किलोमीटर चल गई है, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आई होगी कि भाई इसका जो चैन सेट है वो चेंज होगा। अगर आपकी बाइक का भी जो चैन है पिछले वाली वो पूरी टाइट हो गई है, अब उसको छोटा करने का मतलब कोई चांस नहीं है, पूरा चैन सेट जो कंपनी ने बोल दिया है कि अगली सर्विस में चैन सेट चेंज करा लेना, क्योंकि चौथी जो फोर्थ सर्विस होती है ना उसमें जो है आपका चैन सेट जो है वो चेंज होना ही होना है 100%, ये कंपनी का क्लेम है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में यही वीडियो दोस्तों आपके लिए मैं बना रहा हूँ, इसी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ चुका हूँ। मात्र 150 से 200 रुपए में आप अपने 3000 से 3500 रुपए अपने बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अपने पास जो है सॉल्यूशन आ चुका है। इस चैन की जो कड़ी को हम निकालेंगे थोड़ी सी, क्या होगा फिर ये चैन छोटी हो जाएगी, तो प्रॉपर तरीके से बढ़िया एकदम जो है ना प्रॉपर एक सॉल्यूशन करेगा इसका। चलो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो एक बार मैं मैकेनिक के पास चलता हूँ और इसकी जो कार्रवाई है वो शुरू करवाता हूँ। कितना इसका लोक हो? इसमें लोक ही तो हुआ है, लोक हो तो फिर जॉइंट क्यों कर मारा है? एक ही लोक हो इसमें है? अच्छा यू काटोगे? अच्छा ये पूरी नहीं हटती आ जाएगी कुंडे में? हाँ तो फिर इतना आ जाएगा इस आगे आ जाएगा ना, कट 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 तो ना करे और चाकी चल जाए करेगी। कड़ी काटना सामान लीजिए। ये पेन्ने भी ना हो यार, ये कितना है हैं? ये तो कती चाकू कितनी हो जाएगा जी, घुस जाएगा ना।
अब सीधा बालगढ़ चलते हैं भाई। 80% जो अपना काम हो गया है, लेकिन अब ये जो टिक 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 की आवाज़ आ रही है ना, इसका सॉल्यूशन करवाने चलते सीधा बालगढ़। इसमें जो नया लॉक है चैन वाला वो लगवाएंगे, कुछ जुगाड़ करवाएंगे। देखो यार, ये तो करवा लिया काम, लेकिन इसको अच्छी तरीके से जो है वो करवा के छोड़ेंगे। सीधा मैं बालगढ़ चलता हूँ दूसरे मैकेनिक के पास, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या जो अपनी चैन ठीक हुई है। ये देखो अपनी चैन है भाई, ठीक है, और हमने काम करवाया है ये देखो, ये लोग देख रहे हो। अगर आप अपनी हंटर में देखोगे ना, इस टाइप का आपको कोई लोक नहीं मिलेगा। देखो ये मैंने लोक लगवा दी इसमें प्रॉपर। इसमें कैसे क्या हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक तो ये नया लोक लगा है, उसके बाद एक पत्ती और लग के तो फिर ये लोक लगा, मतलब ऐसी ऐसी है ना, ये दो पत्ती इधर लगी है फिर जाके ये लोक लगा है, वो अच्छी तरीके से टाइट हो गया। इसमें ना तो कोई अभी आवाज़ है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है बढ़िया अपनी चैन हो गई है। बाकी मैंने क्लीन और करवा ली थी इसको अच्छी तरीके से, देखो बिल्कुल साफ सुथरी है, मैंने क्लीन करवा ली थी अपनी पूरी, ठीक है। बाकी साइड स्टैंड पे रह गई कलश जो है ना ऊपर की, इसको भी मैं साफ करवाऊंगा। बाकी चलो एक बार मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, आपको भी एक विश्वास हो जाएगा भाई चैन कटने के बाद कैसी क्या कार्रवाई है। आवाज़ सुनाता हूँ, जो मैंने लॉक लगवाया है नए वाला, तो उसके बाद देखो अब कैसी आवाज़ होगी है। लेकिन अभी मैंने इसको लूप नहीं किया, थोड़ी बहुत ऐसी आवाज़ आएगी, कट कट की आवाज़ बिल्कुल बंद होगी। ये थोड़ी चूँ 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 की आवाज़ आ रही है ना, अभी इसको मैंने लूप नहीं किया, जब प्रॉपर तरीके से लूप कर दूंगा ना तो अच्छी तरीके से जो है ये वर्क करेगी। और अपनी बाइक को दोस्तों मैं अपनी चैन को लूप करने के लिए स्प्रे का यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ गियर ऑयल मोटूल का, ये 1 लीटर का आता है गियर ऑयल, ठीक है ना, 80W90 इसका मैं यूज़ करता हूँ। साथ में मैंने इस गियर ऑयल को इस छोटी सी बोतल में डाल रखा है, ये बिजली की पॉप आती है ना, इसमें एक साइड में छोटा सा सुराख कर रखा है और सीधा मैं अपनी इसको बाइक में डालता हूँ। चलो ये कुछ इस टाइप से, देखो आवाज़ बंद हो जाएगी अब चैन की, देखो होगी ना साइलेंट। सब कुछ दोस्तों मैंने आपके सामने दिखा दिया, कैसे कैसे आपको अपनी जो चैन है उसको छोटा करवाना है, कैसे फिटिंग करवानी है, और आवाज़ आए तो उसमें नया लॉक लगवाना है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं आप सभी भाइयों के लिए, कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर तो जल्दी हमारे करा दो। चलो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज़।